गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो आज का थोड़ा जो सेमिनार जो हो रहा है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। इट विल नॉट टेक मोर देन 45 मिनट्स। और ये जो सेमिनार है, इसका जो शुरुआत या कहाँ से आया, इसका पर्पस जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम टीचर भी हैं, ये फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं हमारे लिए जॉब्स की, फिनटेक में, फाइनेंशियल मार्केट्स में या इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, तो उसमें जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी आ रही है, उनके लिए क्या क्या हमें स्किल्स चाहिए, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप ड्यूरिंग अपने इसी कोर्स के साथ कर सकते हैं। आप पीएचडी स्टूडेंट्स भी बैठे हैं या हम टीचर्स भी हैं, इवन मैंने खुद ने ये 4 से 5 मॉड्यूल क्लियर किए हैं। हम टीचर्स को भी लेटेस्ट मार्केट के बारे में जानने के लिए करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो ये आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो फॉर्चुनेट है, आपके टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो कर गई है भी, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। बस थोड़ा सा है, 5-7 मिनट में शुरू हो जाएगा और सर्टेनली आपको बेनिफिट होगा इस सेमिनार का, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये आपके करियर में 2-3 साल में जब आप ये मॉड्यूल क्लियर कर लेंगे, या मॉड्यूल भी नहीं, अगर आप इसको अपने एज ए हैबिट बना लेंगे अपने करिकुलम का, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रेजुएशन से पहले आपकी जॉब आपको खुद ही ऑफर हो जाएगी, अच्छी जॉब जो आप चाहते हैं। नॉर्मली पीजी स्टूडेंट्स को भी जॉब नहीं मिलता पीजी के लास्ट सेमेस्टर 2-1 साल बाद, लेकिन ये कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। इसमें डिग्री प्रोग्राम भी हैं, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स भी हैं, और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं सारी। बस हम 5 मिनट में शुरू कर देंगे और थोड़ा सा बीजी साहब की वेट हो रही है और फॉर्मल इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमारे बीच में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से आए हुए हैं 2 ऑफिशियल्स हैं उनके, मिस्टर अभिषेक और मिस्टर कुनाल। तो ये लोगों का एक्सपीरियंस है काफ़ी टाइम से, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इनके साथ कोलाबरेट करके अपने प्रोग्राम में पेपर या मॉड्यूल ऐड भी किए हुए हैं ऑटोमेटिकली, आप इनको पढ़ते हैं। और अभी ज़्यादा तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा विषय नहीं है ये, अभिषेक जी इसके बारे में एक एक डिटेल में आपको बताएंगे। इवन मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी टीचर आए हुए हैं MBA USGS और कॉमर्स के, उनको जो लगता है भी ये जो जो सर बताएंगे, जो जो वो लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो जो लगता है उनको बेनिफिट, इसलिए स्टूडेंट्स और टीचर को इकट्ठा किया गया, इकट्ठे मतलब पहले वाला एजुकेशन का कंसेप्ट चला गया भाई, ठीक है भी जो स्टूडेंट, जो टीचर ने कहा वही स्टूडेंट पढ़ेगा, मतलब सब कुछ स्टूडेंट से और टीचर्स की डिस्कशन के अकॉर्डिंग होगा, यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आपकी। मतलब ऐसा नहीं है भी आपको आपको बाहर कहीं नहीं रखा गया, ये सेमिनार इसलिए हो रहा है आपको अंदर लाने के लिए भी, आप भी डिसीजन मेकिंग में आए, आप पहले खुद देखें भी यार ये पेपर है और ये मुझे पढ़ के बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप बोलो अपने टीचर को, सर प्लीज़ काइंडली इंट्रोड्यूस दैट मॉड्यूल, हाँ ये बेनिफिशियल है मेरे लिए। ऐसा नहीं है भी हमने सदियों पुराना सिलेबस है वही पढ़ रहे हैं और वही हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं विदाउट एनी अपडेशन ऑफ नॉलेज, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसी को लेके चल रहे हैं सारे। और मैं फिर कहूँगा, मैं आपको कंग्रेचुलेट करूँगा, आप लोग भाग्यशाली हैं, आप लोग आए यहाँ, आपको अच्छा लगेगा और थोड़े 2-3 साल बाद आप इस सेमिनार को याद करोगे जब आपकी जॉब लग जाएगी कहीं ऐसा कुछ पढ़ के, चाहे आप रिसर्च PhD वालों को, जो रिसर्च स्कॉलर हैं टीचर्स हैं वो, आप लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं तो डेटाबेस आपको चाहिए, आपको टीम चाहिए रिसर्च की, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसमें हैं। और जितनी भी स्टार्टअप शुरू हो रही है ना अब तक, 50-60% फिनटेक बेसिस पे, with high energies and smiles, I wish a vibrant morning to one and all present here. I welcome you all and our respected guests from NSE, Mr. Abhishek Dave, Chief Manager at NSE, and Mr. Kunal Tyagi, Business Development Manager, Northern Region. Welcome you, sir. For the session, with our Honorable Vice Chancellor, Sir Professor Ajmer Singh Malik,
I welcome you, sir. Can we have a round of applause? With respected registrar, sir, Dr. Rajesh Bansal, Professor S.K. Gehlawat, Dean Academic Affairs, Professor Kapil Chaudhary, Director UCO, Professor Surendra Singh Kundu, Professor Shailendra Singh Hudda, Dr. Kamlesh Rani, Professor Aarti Gaur, and all the chairpersons and other faculty members present here. Thank you so much for vibing this morning. Our speakers would be demonstrating us today with the insights regarding NSC and UGPG collaborative courses offered by them with other useful informations. So I request Professor Kapil Chaudhary to please welcome our guests on the stage. Good morning to all of you. I welcome officials from NSC, Honorable Vice Chancellor, all Deans, Directors, Chairperson in this seminar. अभी मैं आपको पहले इस कार्यक्रम के बारे में बता ही रहा था, थोड़ी सी एक बार और रूपरेखा बता देता हूँ सर क्या बताएंगे। तीन पार्ट हैं इस प्रेजेंटेशन के। पहले पार्ट में सर आपको एनएससी जो ऑफर कर रही है वो बताएंगे, उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में उनके बारे में, और तीसरा कौन कौन से स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं और कौन कौन से हम एकेडमिक प्रोग्राम कोलाबोरेशन में शुरू कर सकते हैं, उन मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं अभिषेक जी को इनवाइट करूंगा डायस पे, वो आए और इसको शुरू करें प्रोग्राम को। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, मैं अभिषेक, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अपने बारे में, उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो आई एम इन जॉब फ्रॉम ऑलमोस्ट लास्ट 22 ईयर्स। आई स्टार्टेड माई करियर विद बैंकिंग, आई वर्क विद बैंक्स लाइक IDBI, आई वर्क स्टार्टेड विद IDBI, आफ्टर दैट आई वर्क विद HDFC ऑल्सो, UTI ऑल्सो, एंड नाउ आई एम विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 13+ ईयर्स। Right, my entire career is in BFSI sector only. I started with banking sector, now I'm in stock exchange also. So in banking sector, I covered retail banking, I covered government banking also, as well as stock exchange operations also. Now I'm in stock exchange. So this is my brief introduction. Our today's idea to how we can help you to develop your career, basically. This is what we want to discuss with you exactly. So before starting this presentation, I just want to show you a one small video. I hope you like it. It's a government video of National Stock Exchange. It has an aura. It radiates energy. And it is India's symbol of prosperity. You see it everywhere. In homes. In pandals. At inaugurations, at companies, the marigold. It announces personal unions and corporate partnerships. The one flower that says, here is someone celebrating a success, a joy, a journey. Besides the marigold, there's yet another Indian symbol of prosperity that spread across India. National Stock Exchange of India Limited, NSE. The marigold and NSE, two icons of India. One symbolizes prosperity. The other, the year 1994, India was ready. The winds of economic liberalization were flowing across India. It now required an engine of growth. Taking a landscape-changing step, the government, using SEBI as a pivot, wrote in key institutions to set up National Stock Exchange. Barriers had been demolished. India had finally connected to India. All
entrepreneurs could easily raise capital. Indians across India could now invest in stock markets. In its domestic role, it is India's largest stock exchange and amongst the largest exchanges globally. For international markets and investors, it is the gateway to India's growth story. NSE today is a symbol of national pride. The Nifty 50, the de facto symbol of the direction of the Indian economy, is India's most well-known global financial brand. NSE IFSE at GIFT City, Gujarat is yet another initiative from the government of India and NSE to bring international flows to India. Beyond achievements, putting purpose before profit. How? By making the markets truly democratic, by ensuring more people participating in the growth of India. But participation in markets required education. So curriculum in schools, investor camps, and international speakers. Today, 25 years later, NSE is ready yet again. Now to facilitate the transition of India's $2.5 trillion economy to a $5 trillion economy. Yes, connecting India to India. Further integrating India with other world markets. Because NSE is committed to help India achieve its goal to be amongst the world's largest economies, a nation to be admired. May India always bloom with respect. Thank you. Coming back to our topic, basically this video helped me to make you understand about each and everything, whatever I'm going to discuss in the next 40 minutes, 30 minutes, right? That's why I made this video. I hope you like it. So, hum log baat kar rahe the National Stock Exchange ki. National Stock Exchange is the number one stock exchange in India, as well as we have a global ranking also. From last almost 3 years, we are the number one worldwide derivative exchange, number one derivative exchange. But yeah, as an Indian, you can pride on those things. Apart from derivative segment, we also have a global ranking for capital market and other segments also. What is the idea behind establishing a stock exchange, like national stock exchange or a nationwide stock exchange? I'll just take you to back 1990. So if we are discussing about pre-90s scenario, it is fine with English, or should I speak in Hindi or a mixed language? Whatever you feel comfortable, I'm fine with both the languages, even in Gujarati also, but I'm not going to talk in Gujarati. Bilingual? So, agar hum log baat karte hain pre-1990s scenario, pre-90s ke scenario jo tha, us time pe National Stock Exchange exist nahi karta tha. National Stock Exchange start hua 1993 mein, we have established 1994, hum logon ne especially apne operations, jo capital market operation tha, wo start kiya. उससे पहले इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस थे. अगर आप आसपास में बात करेंगे तो आपके पंजाब में अगर हम बात करते हैं तो लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज था, राजस्थान में बात करते हैं तो जयपुर स्टॉक एक्सचेंज था, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो वहाँ पर यूपी स्टॉक एक्सचेंज था जो कि कानपुर में है. इसी तरीके से दिल्ली में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज था. अलग 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 स्टेट्स में अलग अलग रीजन में डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज है. कलकत्ता की बात करते हैं तो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज था. मुंबई की, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज था. इसी तरीके से केरला में अलग था, कोची स्टॉक एक्सचेंज था. हर रीजन में अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज थे. लेकिन एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए चैलेंज क्या था, अगर हम लोग एक इन्वेस्टर के तरीके से सोचें, अगर मुझे सपोज टेक अ एग्जांपल ऑफ लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज बिकॉज इट्स नियर टू यू आई थिंक. सो अगर मेरे को वर्धमान में इन्वेस्ट करना था तो मुझे लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था. लेकिन अगर मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कनेक्ट करना पड़ता था. तो हर जगह का मैकेनिज्म डिफरेंट था, हर जगह के ब्रोकर डिफरेंट थे. मुझे हर जिस तरीके से आप ऐसे समझिए कि सपोज अगर मैं 3 बैंक्स में अकाउंट रखता हूँ तो मुझे हर बैंक में जाके अपना डिपॉजिट करना पड़ता है. सिमिलरली अगर मुझे डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस में से स्टॉक्स परचेज करने,
तो हर स्टॉक एक्सचेंज में मुझे अपना डीमैट अकाउंट सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट रखना पड़ेगा और वहां के ब्रोकर को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके स्टाफ को कनेक्ट करना पड़ेगा. तो इट्स अ ट्रबलसम गेम फॉर मी, राइट. बहुत दिक्कत थी उस टाइम पे. दूसरा, उस टाइम पे जो हम लोगों का मैकेनिज्म था वो इस तरीके से था कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस एक्चुअली ब्रोकर रन ऑर्गेनाइजेशन है. ब्रोकर रन ऑर्गेनाइजेशन से आप मतलब समझ सकते हैं मेरा एक एसोसिएशन है कुछ लोगों का जो एक स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज को रन कर रहा है. आप सोच के देखिए, सपोज हम लोग एक फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग एक मॉल खोलना चाहते हैं, हम सब लोग मिलकर खोलना चाहते हैं, वी बिकम अ एसोसिएशन. अभी हमारा मोटिव क्या होगा? जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे मॉल के अंदर लोग दुकान खोले या अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें, उनको ग्रोथ मिले या मेरे को और आप सबको ग्रोथ मिले, क्या होगा हमारा आइडिया? हम किसके लिए काम करना चाहेंगे? अपने लिए. अपना प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है पहले, राइट. सिमिलरली ये स्टॉक एक्सचेंजेस भी उस टाइम इसी मेंटेलिटी के साथ काम करते. दे आर नॉट फोकस्ड फॉर इन्वेस्टर ग्रोथ, दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर ओन ग्रोथ, ब्रोकर्स ग्रोथ. They are working in an environment where they want to become a basically broker friendly organization rather than an investor friendly organization, right? उस time पे और चीजें थी क्योंकि ये manual stock exchanges थे. Manual stock exchanges को अगर मैं stock exchanges की language में बात करूंगा तो हम लोग कहते हैं open outcry method के through trading होता था. Open outcry method को अगर आपको समझना है, I hope कि आज के time पे बहुत easy है समझाना. मैं सिर्फ एक movie का नाम लूंगा तो आप सभी लोग उसको understand कर देंगे. आप सबने गुरु देखी होगी, ठीक है, या अभी रिसेंटली जो स्कैम 92 और ये आया उसमें देखा होगा, आपने देखा होगा हाथ उठा के एक बड़े से हॉल में लोग शोर मचा रहे हैं, पूरा भीड़ इकट्ठा हुआ है, पेपर पे कुछ कुछ नोट कर रहे हैं, ठीक है, वो ओपन आउटक्राई मेथड था. लेकिन आज ये अभी हम लोग बात करेंगे आगे चलकर अगली साइड में, आज ये मेथड नहीं रहा, आज ऑटोमेटिक ट्रेडिंग है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग है. तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम थी. सी बेसिकली आप डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट करते थे स्टॉक एक्सचेंज में, आपने ब्रोकर के थ्रू एजेंट्स के थ्रू पार्टिसिपेट करते थे. जब आपके पास खुद एक्सेस नहीं होगा तो आपको कैसे पता होगा कि एक्चुअली आज आपके शेयर का रेट है क्या, या आपने जो शेयर बाय किया या सेल किया वो किस रेट पे बाय किया या सेल किया. तो ये फ्रेगमेंटेड ऑर्डर बुक थे. बहुत बार हम लोगों को ट्रांसपेरेंसी के इशू होते थे, लिक्विडिटी का इशू होता था, मैनुअल सेटलमेंट था, 20 दिन लगता था शेयर खरीदने के बाद आपके अकाउंट में आने में, 20 दिन लगता था शेयर बेचने के बाद आपको पैसा मिलने में, राइट. सेटलमेंट डिलेज हो जाते थे बहुत बार क्योंकि ब्रोकर रन ऑर्गेनाइजेशन था. अगर ब्रोकर कंफर्टेबल नहीं है तो वो रिक्वेस्ट करता था एक्सचेंज को कि आप सेटलमेंट डिले कर दीजिए, एक्सचेंज सेटलमेंट डिले कर देता था. लेकिन आज जब हम इस चीज को चेंज किया तो 1992 में मिस्टर एमजे फेरवानी के अंडर में, एमजे फेरवानी इंडिया के रेनाउंड नेम है, उनके अंडर में एक कमेटी, हाई पावर कमेटी एस्टेब्लिश किया जिसने ये डिसाइड किया कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंजेस को मॉडर्नाइज करेंगे और उसके लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करेंगे. तो एमजे फेरवानी ने कुछ मेन फाइंडिंग्स थी उनकी जिसके बेस पे हम लोगों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश किया, विच इज अ न्यू मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज यू कैन से. तो बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स थी हमारी, फ्लोर बेस्ड ट्रेडिंग का प्रॉब्लम था, उसको हमने डे वन से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के थ्रू लेकर आए. लोकलाइज वाला जो प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है तो मुंबई जाना है, अगर आपको लोहिया का शेयर खरीदना है, एलएमएल का शेयर खरीदना है तो आपको यूपी स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था, अगर वर्धमान का खरीदना है तो आपको लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था, वहीं हम लोगों ने सारे शेयर्स को एक जगह लेकर आए और हम लोगों ने उसको नेशन वाइड पैन इंडिया एक स्टॉक एक्सचेंज दिया जहां आप जो मर्जी शेयर ट्रेड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. तो वो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने दिया. जो ट्रेडिंग आवर्स थे वो शॉर्टर ड्यूरेशन के थे उस टाइम पे, हम लोगों ने उसको लॉन्गर ड्यूरेशन में कन्वर्ट किया. स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं जब स्टेबिलिटी हुआ था तब 10-3 ट्रेडिंग हुआ करता था, आज 9:15-3:30 ट्रेडिंग आवर्स है कैपिटल मार्केट के लिए. वहीं अगर हम कमोडिटीज की बात करेंगे या करेंसी की बात करेंगे तो ये ट्रेडिंग आवर्स डिफरेंट है, ठीक है. साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जो गवर्नेंस का इशू था, वो खत्म किया. जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुआ तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ब्रोकर्स वहां पर ओनर्स नहीं थे, उनकी शेयर होल्डिंग नहीं था. इट्स because it is established basically under the guidelines of government. So, and as per Indian law, government can't hold or basically own any of the stock exchange. इसलिए government की direct holding नहीं है national stock exchange में. National stock exchange actually जो investment है या जो वहाँ पे shareholders हैं वो different financial institutions हैं, banks हैं, GIC, LIC, IDBI, ये main promoters थे starting में जिन्होंने national stock exchange के type पे उसको create किया, उसके shareholders थे उस type पे. तो shareholders are different, ठीक है. Broker different है, तो broker आज के time पे ownership नहीं रखता तो उसका management में कोई सही नहीं है, plus management different है,
स्टॉक एक्सचेंज को जो मैनेज कर रहे हैं वो ना तो ये ऑर्गेनाइजेशन है LIC, GIC और IDBI जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, वो मैनेज नहीं कर रहे उनको. तो उन क्यों नहीं मैनेज करने पा रहे, क्योंकि ये एक कोई कॉर्पोरेट लाइक इट्स नॉट अ रिलायंस कि जहाँ पे मालूम पड़ता है 50% शेयर होल्डिंग जो है वो केवल अंबानी या अंबानी की फैमिली के पास है, या कोई भी हम XYZ कंपनी की बात कर सकते हैं. इट्स अ बेसिकली एज पर सेबी गाइडलाइन आज के टाइम पे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं रख सकता. तो हर एक जो भी इंस्टीट्यूशन है आज के टाइम पे उसकी स्टॉक होल्डिंग कितना है 5%. तो किसी का भी कोई बहुत बड़ा से नहीं है. ऐसा नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज उसके हिसाब से मूव करना शुरू करेगा. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है. तो मैनेजमेंट उसका फोकस क्या है, मैनेजमेंट का फोकस है कि हम स्टॉक एक्सचेंज को किस तरीके से इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाए, उसी के लिए हम लोग काम करते हैं मेनली. क्यों हम आज यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस चीज को पॉपुलराइज करें आपके बीच में. जो पुराने मिथ है हमारे हमारे दिमागों में स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, हमें उनको तोड़ना है. अगर मैं बात करता हूँ कि मनी जनरेशन कहाँ से होता है, आप बता सकते हैं मुझे मनी जनरेशन कहाँ से होता है? हम लोग कहाँ से बात करते हैं इकोनॉमी की, जो अभी बात हो रही थी वीडियो में कि इतना ट्रिलियन इकोनॉमी होना चाहिए, इतना होना चाहिए, वो मनी जनरेशन कहाँ से पॉसिबल है? प्रोडक्शन. लेकिन प्रोडक्शन के लिए तो खुद पैसा चाहिए. जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं कुछ चीज और उसको हम सेल करते हैं, ठीक है? तो उसके पीछे तो एक सर्टेन मनी जनरेशन है. लेकिन इट्स नॉट अ मनी जनरेशन, इट्स जस्ट अ मनी रोटेशन. क्योंकि अगर मुझे सपोज आज कोई भी चीज, सपोज मुझे ये पैन ही प्रोड्यूस करना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टील चाहिए, कुछ प्लास्टिक चाहिए, कुछ इंक चाहिए, कुछ और टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सब चीजें मैं कहाँ से लूंगा? सपोज हो सकता है एक चीज के सप्लायर आप हो, दूसरी चीज के सप्लायर कोई और हो, सबसे लूंगा, बाय करूंगा, उसके अगेंस्ट में उनको फंड दूंगा, ठीक है? लेकिन उससे मनी जनरेशन नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ मनी रोटेशन. बेसिकली जनरेशन कैसे हो सकता है, कैपिटल मार्केट में कैसे जनरेशन हो सकता है? आई नो आंसर आसान है, क्योंकि मैं बात ही कैपिटल मार्केट की कर रहा हूं, तो इट इज ऑब्वियस आंसर कि कैपिटल मार्केट से मनी जनरेशन हो सकता है. लेकिन कैसे? कैपिटल एप्रिसिएशन से. एक्जेक्टली. सो बेसिकली अगर हम इसको सिंपलाइज टर्म में थोड़ा सा और एलिब्रेट करना चाहें, तो आप सोच के देखिए, आज आपने क्या किया, यही पैन बनाने वाली कंपनी एस्टैब्लिश कर दिया, राइट? अब आपने क्या किया, जब आपने कंपनी एस्टैब्लिश किया तो आपका शेयर का प्राइस सपोज 10 रुपीज का, राइट? लेकिन धीरे धीरे करके ये पैन पॉपुलर होना शुरू हुआ. पॉपुलर होने से क्या होता है, आपकी गुडविल डेवलप हुई, ठीक है? आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हुई, आपकी सेल्स इंक्रीज हुई, उसके साथ साथ क्या हुआ, आपका शेयर का प्राइस भी इंक्रीज हुआ, ठीक है? जो ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है शेयर का प्राइस, ये एग्जैक्टली आपके जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसके रेशियो में नहीं है. मे बी प्रॉफिट आपको 10% का हुआ हो, लेकिन आपका शेयर प्राइस 20% 30% या 50% भी अप्रिशिएट हो गया हो सकता है. तो ये जो 30% एक्स्ट्रा आपके पास जनरेशन आया, दिस इज मनी जनरेशन. और कैपिटल मार्केट इज अ ओनली एवेन्यू जहां पर मनी जनरेशन होता है. आपकी 10 रुपए की चीज जब 40 रुपए की हुई, तब इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली 30 रुपीज का इजाफा हो गया, बढ़ गई आपकी इकोनॉमी, ये मनी जनरेशन है. तो ये चीज पॉसिबल है केवल स्टॉक मार्केट के थ्रू, कैपिटल मार्केट के थ्रू, राइट? सिमिलरली अब बात आता है कि इन्वेस्टर्स को इसमें क्यों आना चाहिए. ऑलरेडी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, शायद बैंक आज लोन देने के लिए तैयार है, अगर मेरा बिजनेस अच्छा है बैंक मुझे लोन देने के लिए तैयार है. लेकिन एज एन कंपनी शायद मैं बैंक से लोन लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बैंक मेरे ऊपर बहुत सारी कंडीशंस पुट करता है, मुझे इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो मुझे हर टाइम डिफरेंस पे एवरी मंथ एवरी ईयर मुझे पे करना होगा. वहीं जब मैं पब्लिक में जाता हूँ तो पब्लिक मेरे ऊपर वो कंडीशंस पुट नहीं करती. पब्लिक मेरे को कहती है आई एम इक्वली पार्टनर विद यू, आई एम ओनर इन योर कंपनी, आई एम गिविंग यू अ 10 रुपीज, इस 10 रुपीज पे अगर कल को आपकी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है तो आप मुझे रिटर्न दीजिएगा, अगर आपको लॉसेस होते हैं तो आई ऑल्सो बियर द लॉसेस, राइट? हम इसी कंडीशंस पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, am I right? या हम कंपनी को बोलते हैं कि नहीं, मैं आपको 10 रुपए दूंगा, आपको मुझे अगले साल 20 रुपए देना ही देना है, अगर आपने 20 नहीं दिया तो मैं जो है कोर्ट में चला जाऊंगा, ठीक है? पहले आप मेरे को कागज पर लिख के दो कि 20 रुपए दोगे, नहीं ना? दिस इज द डिफरेंस. सो लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्या है, जहां अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं तो वी आर गेटिंग 3-4% ऑफ इंटरेस्ट, राइट? वहीं अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो हम मल्टीफोल्ड में अपना ग्रोथ देखने पाते हैं.
अगर मैं NSE की बात करता हूँ आज के टाइम पे, तो NSE इज अ डीमेचुलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि किसी भी एक की ओनरशिप नहीं है, जो हम बार बार बात कर रहे थे. इट्स अ ऑनलाइन ट्रेडिंग. वी एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया, तो वी स्टार्टेड डिपॉजिटरी सिस्टम. उससे पहले मैनुअल शेयर ट्रेडिंग होता था, आज डीमेचुलाइज्ड ई मोड में आप ट्रेड करते हैं. बेनिफिट्स क्या है, जहां हम ई मोड में ट्रेड करते हैं वहां कोई भी चीज फोर्स या नकली नहीं हो सकता. पहले बोगस शेयर आ जाते थे जब हम फिजिकल शेयर्स की खरीदा करते थे, आज वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट. ये हम लोग की कुछ कंपनीज हैं NSE की, जो डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन कंपनीज हैं, हमारी सब्सिडरी हैं. अगर हम बात करते हैं NSE इंडाइसिस, जो कि हम लोग का निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी 50 की और जो इंडाइसिस है उसको मैनेज करता है. डेटा एनालिटिक्स कंपनी, जो NSE के पास ह्यूज डेटा जनरेट होता है, हम लोग उसको मैनेज करते हैं. ये डेटा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के लिए भी, क्योंकि वो इसको एनालाइज करके अपने लिए आगे की स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं. वो डिसाइड करने पाते हैं कौन सा शेयर कैसा परफॉर्म करेगा. इसी तरीके से NSE Academy जो कि आपके एजुकेशन में, फाइनेंशियल एजुकेशन में हेल्प करते हैं. NSE क्लियरिंग, जो कि हम लोग के ट्रेड जो है उनके सेटलमेंट में हेल्प करती है. इंटरनेशनल क्लियरिंग, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो हम लोग बात कर रहे थे, अगर आपने वीडियो में ध्यान दिया हो, बात हुआ था कि अहमदाबाद में IFSC स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश हुआ है. तो IFSC इज अ इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ ट्रेडिंग डॉलर टर्म्स में होता है और वहाँ पर हम लोग की इंटरनेशनल असेट्स अवेलेबल है वहाँ पर, जो कि है चाहे वो क्रूड हो, गैस हो, गोल्ड हो, या हम स्टॉक्स की भी बात करते हैं. तो वहाँ पर इंडिया में आप कौन से शेयर्स को अच्छा मानते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, कैन यू नेम इट टू शेयर्स? टाटा, रिलायंस. वहीं अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबली, आप इन शेयर्स को अच्छा मानते हैं? Amazon, Infosys is Indian share, right? India में ही अच्छा है, right? Although Infosys का ADR है NYSE में, लेकिन Infosys is Indian share. Amazon किसी ने कहा, और कौन सा हो सकता है? Google, Standard Chartered हो सकता है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जो कि लोगों के लिए ज्यादा easily understandable है, Apple, शायद हम सभी लोग aspiration रखते हैं इस तरीके के शेयर में इन्वेस्ट करने की. तो यहाँ हम लोगों ने इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपको इन शेयर्स में भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन दिया है. तो इंडियन पॉपुलेशन आज के टाइम पे इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वहाँ भी कर सकती है. अगर हम फाउंडेशन की बात करते हैं या और कंपनीज की बात करते हैं, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो बिजनेस हैं या जो सपोर्ट बिजनेसेस हैं एक्सचेंज के लिए, उनको सपोर्ट करती हैं ये कंपनीज, राइट. अगर हम ऑफरिंग की बात करते हैं NSE की ऑफरिंग, तो आज के टाइम पे NSE इक्विटी की हम लोगों ने बात किया, कैपिटल मार्केट की, डेट सेगमेंट है, डेरिवेटिव सेगमेंट्स में, करेंसी सेगमेंट में, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में, इवन बॉन्ड, कमोडिटीज, इंडेक्स, हम लोग ऑलमोस्ट जितने भी असेट क्लास अवेलेबल है और सेबी की ओर से परमिटेड है, हम उन सभी असेट क्लास के अंदर आज के टाइम पे काम कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल मार्केट. बहुत ज्यादा डीप में लिया हूँ, जस्ट टू इंट्रोड्यूस थिंग आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट. तो अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, तो कैपिटल मार्केट के ब्रॉडली तीन पार्ट हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और OTC मार्केट. प्राइमरी मार्केट में स्टॉक कब तक है, कोई भी अगर हम कंपनी की बात करते हैं, शेयर की बात करते हैं, जब तक कि वो प्री लिस्टिंग्स उसमें है, चाहे वो IPO हो, राइट इशू हो या प्राइवेट प्लेसमेंट हो. आई होप ये वर्ड्स न्यू नहीं होंगे, क्योंकि आप में से काफी लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है. अगर कहीं भी आपको लगता है कि कोई वर्ड जो है वो न्यू है, यू कैन आस्क मी. IPO से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं. जब भी कोई कंपनी जो है वो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में जाता है, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर के रहते हैं, वो IPO के थ्रू आते हैं. उसके बाद अगर वो फर्दर आपको सेम इन्वेस्टर्स को कोई नए शेयर इशू करते हैं, तो वो राइट इशू है. लेकिन अगर मैं बिना IPO में गए कुछ लोगों को अपने शेयर अलॉट करना चाहता हूँ, तो प्राइवेट प्लेसमेंट है, राइट. एक बार जब कंपनी लिस्ट हो गई, तो इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, पोस्ट इशू मार्केट जिसको हम बोलते हैं. OTC मार्केट का बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ, जो कि आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, तो वो है जब भी आप फॉरेन जाते हैं तो करेंसी एक्सचेंज करते हैं. करेंसी एक्सचेंज के लिए आप कहाँ जाते हैं? या तो मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं या बैंक में जाते हैं. बैंक में जो भी ट्रेड होता है या मनी एक्सचेंजर पे आप जो भी ट्रेड करते हैं, वो ओवर द काउंटर ट्रेड है, ठीक है. केवल आप दोनों के बीच में डीलिंग हुई, उसके अंदर कोई रेगुलेटर नहीं है. आपने जितना पैसा देना है वो आप उनको देंगे, जो भी करेंसी आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, इंडियन रूपी की बदले डॉलर लेना चाहते हैं या लौट के आके डॉलर रिटर्न करके वापस इंडियन करेंसी बाय करना चाहते हैं, वो OTC ट्रेड है. सिमिलरली इस तरीके के ट्रेड शेयर मार्केट में भी होते हैं, ओवर द काउंटर ट्रेड, राइट. अगर हम फर्दर सिक्योरिटीज को फर्दर डिवाइड करना चाहें, तो डिबेंचर्स, शेयर्स के अंदर भी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जिनको हम समझ सकते हैं, और हर एक का अपना नेचर है. आई होप कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा डिबेंचर और इक्विटी शेयर के बीच में डिफरेंस, और इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में भी शेयर का पता होगा. या नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास ज्यादा टाइम होगा, तब हम उनको और डीप में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है.
पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं स्टॉक मार्केट में? तो इशूअर्स हो सकते हैं, इशूअर्स कौन से हो सकते हैं? कंपनीज हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है जो इशू करती है शेयर, गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर होते हैं, पीएसयू कंपनीज के शेयर होते हैं, प्राइवेट कंपनीज के शेयर होते हैं। इंटरमीडिएट्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो मर्चेंट बैंकर, बैंकर टू इशू, अंडरराइटर, ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आईपीओ के टाइम पे और आफ्टर आईपीओ जब सेकेंडरी मार्केट में आते हैं तो इन एंटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है आपको स्टॉक मार्केट के अंदर या प्री या हम कहेंगे आईपीओ के टाइम के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड्स यू अ फैसिलिटी टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। सिमिलरली डिपॉजिटरी आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देती है? आपके स्टॉक्स को डीमेटलाइज फॉर्म में रखती है। सिमिलरली उसी तरीके से जैसे बैंक आपके पैसे को रख रहे हैं, डिपॉजिटरी आपके शेयर्स को रख रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं और भी कंपनीज हो सकती है। अगर हम फर्दर इक्विटी मार्केट की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इक्विटी मार्केट, आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इक्विटी मार्केट में जो सेटलमेंट सिस्टम है वो T+20 का था प्री 90s की जब हम लोग बात कर रहे थे। आज से सेटलमेंट सिस्टम T+2 का है और एज एन NSE वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस बाय 27th January T+settlement। और T+settlement मीन्स कि आप आज शेयर खरीदेंगे कल आपके हाथ में पैसे होंगे, या कल आपने आज शेयर बेचा कल आपके हाथ में पैसे होंगे। ये T+settlement T+2 से भी T+1settlement पे हम 27 जनवरी से शिफ्ट होने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ अभी ऑलरेडी ये सिस्टम स्टार्टेड किया था, हम लोगों ने कुछ शेयर ट्रांसफर किए थे फॉरन एक्सपीरियंस से T+1 segment में। अभी 27 जनवरी से सारा स्टॉक मार्केट, पूरा कैपिटल मार्केट T+1 segment पर ट्रांसफर होने जा रहे हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम वर्ल्ड वाइड पहला स्टॉक एक्सचेंज, पहली कंट्री है इंडिया, पहला कंट्री है जो T+1 पर सेटलमेंट करने जा रहा है। जबकि बहुत सारी कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम में हमसे कहीं ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। आज भी हमारे रूरल एरियाज में बैंकिंग नहीं अवेलेबल है, काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ है पिछले 8-10-15 सालों में, लेकिन still we are going to shift in T+1 and for your information we are also ready for real time settlement. real time settlement ka example deke batau aapko, aap paytm use karte ho, paisa transfer karte ho, samne wale ke paas jaate ho, wo haath ke haath aapko mil gaya, shopkeeper aapko bolta hai mil gaya. to ek time pe stock market mein bhi real time settlement ke liye we are already ready, lekin aaj banking system hame real time settlement ke liye support nahi kar sakta, isliye hum log launch nahi kar rahe. ho sakta hai aane wale एक साल में, दो साल में NSE में शिफ्ट टू रियल टाइम सेटलमेंट। आप आज शेयर खरीदो, आज पैसे, अभी पैसे दो, आपके पास शेयर, आपने आधे घंटे बाद बेचा, फौरन आपके हाथ में पैसा, आपको कोई वेटिंग टाइम नहीं है उसके लिए। T+1 के सेटलमेंट साइकिल की जरूरत ही नहीं रहेगी, या चाहे सेटलमेंट सर्किल की हम लोगों को बात ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो आज के टाइम पे लगभग 1900+ सिक्योरिटीज अवेलेबल है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए। लॉट साइज की अगर हम बात करते हैं तो हर सिक्योरिटीज में लॉट साइज 1 शेयर है। तो एज एन इंडिविजुअल आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं और मल्टीपल ऑफ 1 शेयर भी खरीद सकते हैं, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आप बाय करना चाहें वो आप खरीद सकते हैं। टाइमिंग के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, ठीक है, कि 9:15 से लेकर 3:30 तक कैपिटल मार्केट अवेलेबल रहते हैं। अगर हम आज के सिनेरियो में NSE की बात करते हैं तो लगभग 1400+ ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, 2000+ सिटीज में NSE की प्रेजेंस है, 2 लाख टर्मिनल्स डेली बेसिस पे NSE के लॉगिन होते हैं डिफरेंट सिटीज में, ठीक है। 1900 इक्विटीज एंड 3300 डेट सिक्योरिटीज NSE के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। वी आर द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम लोग मार्केट शेयर की बात करते हैं तो यहाँ मैंने 80% लिखा है जस्ट टू कीप माई सेल्फ सेफ। अदरवाइज अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करता हूँ तो कैपिटल मार्केट में NSE का शेयर नॉर्मली ऑन अ डेली बेसिस मोर देन 95% रहता है। और अगर मैं डेरिवेटिव सेगमेंट की बात करता हूँ तो डेरिवेटिव सेगमेंट में वी आर ऑलमोस्ट कैप्चरिंग 99% शेयर ऑफ इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, वेदर इट्स इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट और बेसिकली करेंसी डेरिवेटिव मार्केट, राइट। ये कुछ फिगर्स हैं जो कि मैंने शो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर आप थोड़ा सा भी इस पर नज़र डालेंगे तो यहाँ 2015-16 की फिगर है और यहाँ पर 2022 का फिगर है, तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट कैपिटल मार्केट में बढ़ रहा है और उसी हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन और नंबर ऑफ ट्रेड, टर्नओवर, सारी चीज़ें इंक्रीज होती जा रही है उसी के हिसाब से, राइट। कुछ
दो शेयर दो क्या नाम सेगमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का नाम सुना है? ग्रेट, गुड। म्यूचुअल मैं क्यों बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड की, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक सिक्योर प्रोडक्ट है इन कंपैरिजन टू स्टॉक्स, जहां पर आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं। और फंड हम ये मानते हैं कि फंड मैनेजर शायद हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से मार्केट को समझते हैं, इसलिए वो हमारे से अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वी आर गेटिंग रिटर्न आउट ऑफ दिस बेटर इन कंपैरिजन टू आवरसेल्फ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। सिमिलरली अगर हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करते हैं, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक प्लस म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का फायदा क्या है, दूसरा जना इन्वेस्ट करता है मेरे बिहाफ पे, तो मुझे उसकी एक्सपर्टीज यूज करने को मिलती है। स्टॉक मार्केट का बेनिफिट क्या है, क्योंकि मैं डायरेक्टली इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए जो भी वहां से प्रॉफिट आता है वो डायरेक्टली मेरा होता है, या मैं रियल टाइम ट्रेड करने पाता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को जब हमने कंबाइन किया तो हम लोगों ने ETF बनाया। ETF का मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको ये ETF समझा सकता हूँ। आप लोग गोल्ड खरीदते हैं, हम सभी लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, अभी आप किस तरीके से गोल्ड खरीदते हैं, ज्वेलरी के फॉर्म में या और दूसरा फॉर्म, कॉइन्स जो कि हम बैंक से खरीदते हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, अगर हम ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदते हैं तो शायद हम लोग डाउटफुल होते हैं कि उसकी प्योरिटी के ऊपर, लेकिन जब हम बैंक से कॉइन खरीदते हैं तो हम 100% सर्टेन होते हैं उसके ऊपर, हमें विश्वास होता है कि ये 99.9% प्योर गोल्ड है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे होते हैं। जब हम ज्वेलरी के शेप में खरीद रहे होते हैं, ऑर्नामेंट के शेप में खरीद रहे होते हैं, तो हम मेकिंग चार्जेस लेते हैं और प्राइस ट्रांसपेरेंट नहीं होते। मुझे ब्रोकर बोलते हैं कि आज गोल्ड का रेट 50,000 है 10 ग्राम, मुझे मानना पड़ता है। अगर वो बोलता है कि आज 49 है या 51 है तो मुझे मानना पड़ता है, मैं अपने रेट पे उससे गोल्ड बाय नहीं कर सकता। अगर मैं उसको अपनी कंडीशंस पुट करने की कोशिश करता हूँ तो कहते हैं मैं इस रेट पे नहीं बेचने के लिए, आप देख लीजिए जहां भी मिलता है आप वहां से खरीद सकते हैं। शायद इसी तरीके के आंसर हमारे को मिल सकते हैं अगर हम उसके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करें। वहीं अगर मैं बैंक के साथ बात करता हूँ, जो हमने बात किया कि हम लोग उसको कॉइन के शेप में परचेज करते हैं, तो हम प्रीमियम पे परचेज कर रहे होते हैं। मार्केट में प्राइस चल रहा है 50,000 रुपीज, बैंक बेच रहा है 53,000 का या 55,000 का, तो हम ऑलरेडी उस पर प्रीमियम पे कर रहे हैं जो हम बात करें। तो यहाँ एक ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है गोल्ड ETF के फॉर्म में, जो कि आपको इन दोनों चीजों से बचाता है। क्यों? क्योंकि ये ई फॉर्म में है। ई फॉर्म मीन्स पेपर फॉर्म में, आपके पास डीमेटलाइज फॉर्म में गोल्ड अवेलेबल है। आप जितना मर्जी 1 ग्राम में शेयर अवेलेबल है, 0.5 ग्राम में शेयर अवेलेबल है, यानी कि अगर आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 50,000 रुपए आज 10 ग्राम का वैल्यू है, तो हम 1 ग्राम 5,000 रुपए में खरीद सकते हैं। 0.5 ग्राम के भी ETF अवेलेबल है, हम 2,500 रुपए में भी गोल्ड खरीद सकते हैं और छोटा छोटा खरीद के एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ ना मुझे उस पर मेकिंग चार्जेस देना है, ना मेरे ऊपर टैक्सेशन है उसके लिए अलग से कि वेल्थ टैक्स पे करना है अगर मैंने ज्यादा अमाउंट एक्यूमुलेट किया, ना मुझे प्योरिटी का दिक्कत है क्योंकि ई फॉर्म में है। ठीक है, डीमैट में आएगा, जो मैंने खरीदा वही बेच दूंगा, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि जब मैंने खरीदा था तब मैं अलग प्योरिटी थी और जब मैं बेचने गया तब शायद ज्वेलर ने कहा कि ये उस प्योरिटी का नहीं है, तो मेरे पास वो भी चैलेंज नहीं है, मुझे मैं उस चीज से भी सिक्योर हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे पास प्राइस ट्रांसपेरेंट है, मार्केट में मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट पे, उसी प्राइस पे खरीदा और जब मैंने देखा कि बढ़ गया, मुझे जब भी जरूरत है तब भी मैंने मार्केट में देख के खरीदा। और अगर मुझे लगता है कि आज के दिन में ये सपोज 50,000 चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये 51,000 जा सकता है, तो मैं ऑर्डर 51,000 पे लगा के छोड़ सकता हूँ। अगर मार्केट टच करेगा बिफोर 330-51,000, गोल्ड आपका ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो आप अपने प्राइस भी पुट कर सकते हैं, इवन खरीदने के टाइम भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 50,000 की जगह ये 49,800 में मिल सकता है या 49,500 में मिल सकता है, तो आप अपने प्राइस पुट करके छोड़ दीजिए। अगर वो स्टॉक वो ETF उस प्राइस को टच करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। सिमिलरली निफ्टी भी इसी तरीके से ट्रेड होता है। निफ्टी लेकिन डेरिवेटिव मार्केट का प्रोडक्ट है और डेरिवेटिव मार्केट में जो भी ट्रेड होते हैं वो एक्सपायरी के साथ ट्रेड होते हैं। ठीक है, वहीं हमने निफ्टी को कैपिटल मार्केट के अंदर लेके आए ETF के फॉर्म में। निफ्टी की वैल्यू सपोज अगर आज 17,000 है, 18,000 है, 1/10 वैल्यू में एक स्टॉक अवेलेबल है 1,800 रुपए में। आपसे मैं अगर पूछता हूँ कि आज के टाइम में आप में से कितने लोग हैं जो मुझे 100% गारंटी के साथ बता सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आने वाले टाइम में ग्रो करेगा? ले सकते हैं नाम, गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन शर्त है ना, ले सकते हैं आप ना? नहीं है ना एक भी स्टॉक जिसका हम बैक करने पाए? सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कितने लोग हैं जो मान के चलते हैं कि आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी जो है वो नीचे जाएगी? हैंड रेज करिए प्लीज जो भी ये सोचते हैं। या मैं क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ लूं,
आप में से कितने लोग हैं जो ये मान के चलते हैं कि आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी? बहुत सारे लोग। अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो निफ्टी 50 की वैल्यू इंक्रीज होगी, बिकॉज इट्स अ बैरोमीटर ऑफ आवर इकोनॉमी, राइट? तो बेस्ट तरीका जहां मुझे बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में, निफ्टी ETF। ऑटोमेटिकली निफ्टी से कॉम्बिनेशन ऑफ 50 डिफरेंट स्टॉक, इंडिया के बेस्ट 50 स्टॉक का कॉम्बिनेशन है निफ्टी 50। बिना सोचे, बिना एक भी बार कोई फंडामेंटल टेक्निकल रिसर्च करे, मैं निफ्टी ETF खरीदता हूँ छोटे छोटे अमाउंट में, जिस भी दिन मार्केट गिर रहा है, और जब भी मुझे जरूरत है, मार्केट हाई है, मैं उसको बेच के प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीका, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर मैं आपको 5 ईयर्स के नाम दूंगा तो आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और जाने उसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, तब जाके आप डिसाइड करने पाएंगे मुझे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। यहाँ आप 100% सिक्योर हैं, क्योंकि कोई दूसरा आपके निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स मैनेज कर रहे हैं। अगर ये 50 स्टॉक्स में से 2 स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम क्वार्टरली रिव्यू में खुद से रिप्लेस करेंगे। जो मेरी इंडाइसिस कंपनी थी NSE इंडाइसिस, वो खुद से उसको रिप्लेस कर देती है अच्छे स्टॉक से। तो आपको चिंता ही नहीं है, आप हमेशा बेस्ट 50 स्टॉक्स में होंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के, राइट? ये आपके पास बेनिफिट है निफ्टी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने पे। ये बात हुआ स्टॉक मार्केट का। नाउ कम टू NSE Academy, जो कि जो हमने बात किया था कि किस तरीके से हम करियर में हेल्प कर सकते हैं आपको। तो NSE Academy इज 100% सब्सिडियरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट? अगर आप बात करेंगे तो वी आर द लार्जेस्ट सर्टिफिकेशन एजेंसी इन BFS सेक्टर। एज ऑफ नाउ हम लोगों ने 7 मिलियन सर्टिफिकेशन इशू किए हुए हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल सॉरी सो BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, राइट? तो पूरा फाइनेंशियल मार्केट का जो गैम्बिट है वो BFSI कहलाता है। क्या क्या कंपनीज BFSI में कवर हो गई? आपका बैंकिंग सिस्टम पूरा BFSI में आ गया, आपके इंश्योरेंस कंपनीज, आपके म्यूचुअल फंड कंपनीज, आपके स्टॉक मार्केट, और भी जो NBFCs हैं या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कंपनी या एंटिटी कवर होती है BFSI सेक्टर में, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे कि सर्टिफिकेशन एजेंसी की NSE के बारे में, मैंने आपको बताया 7 मिलियन सर्टिफिकेशन इशू किए हैं। हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोग्राम्स रन कर रखे हैं जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम से क्लास 8 से क्लास 9 से प्रोग्राम स्टार्ट है। कुछ गवर्नमेंट्स के साथ, कुछ एजुकेशन बोर्ड के साथ हम लोग के टाइप हैं, CBSE के साथ हम लोगों का टाइप है, जहाँ क्लास 9, 10, 11, 12 में फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट FMM करके सब्जेक्ट रन करते हैं। इट्स अ फुल फ्लेज सब्जेक्ट फॉर क्लास 11th एंड 12th, और इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट वी रन फॉर क्लास 9th एंड 10th। सिमिलरली फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करता हूँ तो गोवा बोर्ड के साथ, हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड के साथ, ठीक है, आपका महाराष्ट्र बोर्ड के साथ, प्लस तमिलनाडु बोर्ड और कर्नाटका के साथ भी हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया हुआ है, जहाँ बच्चे बहुत अर्ली स्टेज में क्लास 8th में, 9th में, 10th में, 11th, 12th में ये चीज़ें सीख रहे हैं आज के टाइम पे। बेनिफिट क्या है, क्यों हम लोग इसको अर्ली एज में स्टार्ट करना चाहते हैं? सी, आज आपके पास टाइम है, जब तक आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप जॉब में आ जाएंगे तब आपके पास शायद ये सीखने के लिए टाइम नहीं होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम इसको जितना जल्दी स्टार्ट करके बच्चों को सिखाने पाएं, हम उनको सिखाने पाएं। स्कूल प्रोग्राम्स हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ हम लोग का टाइप है, जहाँ हम UG PG प्रोग्राम्स रन करते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज रन करते हैं हम लोग, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन हैं। ओपन मार्केट में, यानी कि जनरल पब्लिक के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं, जिसको हम MDPs या PDPs बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों के कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं जो इंडस्ट्री के अंदर वेल नोन है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है NCFM जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज इन BFS सेक्टर, आई थिंक ये शायद आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होगा बच्चों के लिए। सी, आज के टाइम पे BFSI सेक्टर, अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है GDP में। जो BFSI सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री में, वो ऑलमोस्ट 21% है, 20%, 20.95% है इंडस्ट्री के अंदर। तो इसका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर GDP। अगर मैं वही बात करता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ की, तो आज भी 27% डिमांड जो है वो BFSI सेक्टर में है, और वहीं 8% जो है वो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है BFSI सेक्टर के अंदर, राइट? BFSI सेक्टर जो एक्सपेक्टेशंस है डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, उसके हिसाब से 2025 तक थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर होगा, जहां मैन पावर रिक्वायरमेंट होगा, सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके लिए, और 38% ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स और
फ्रेश ग्रेजुएट ऑब्जर्व बाय बीएफएसआई सेक्टर ओनली, यानी कि मैक्सिमम बच्चा पास होने के बाद आज भी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट बीएफएसआई सेक्टर में जाता है, चाहे वो बैंकिंग में जा रहा हो, इंश्योरेंस में जा रहा हो, स्टॉक मार्केट में आ रहा हो, या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहा हो, या कुछ और भी जो दूसरे छोटे छोटे फॉर्म्स हैं रिलेटेड टू बीएफएसआई सेक्टर उसके अंदर जा रहा हो। अब बात करते हैं कौन कौन से एम्प्लॉयर्स अवेलेबल हैं बीएफएसआई सेक्टर में, सो देट कि आप लोग उसको समझने पाए। बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं लाइक ब्रोकर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट पढ़ाया जाता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा, आज के टाइम पे फाइनेंशियल मार्केट इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंशियल मार्केट लर्निंग के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल फरीदाबाद में इंस्टीट्यूट है, आपने नाम सुना होगा NIFM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ 2 साल पहले उसका नाम बदल के आफ्टर डेथ ऑफ मिस्टर अरुण जेटली उन्होंने उसको ऑनर करने के लिए उसका नाम कर दिया अरुण जेटली इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। पहले वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के नाम से जाना जाता था। ये इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली फोकस है फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ केवल फ्रेश स्टूडेंट ही नहीं, यहाँ PSU से, कॉर्पोरेट से लोग, IAS ऑफिसर, क्या नाम है आपके, और डिफरेंट ऑफिसर जो वहाँ पर है PSU सेक्टर्स में है, गवर्नमेंट सेक्टर में, वो लोग भी खुद पढ़ने के लिए 2 साल का MBA करने के लिए या एग्जीक्यूटिव MBA करने के लिए 1 ईयर का वहाँ पर आते हैं जस्ट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। यही लिस्ट मैंने थोड़ा और आगे कंटिन्यू किया है जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हैं, और भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी में आज के टाइम पर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनिशियली हम कहीं ना कहीं बात करते थे कि केवल जो BFSI सेक्टर है वो ट्रेडिशनल स्टाइल में, लेकिन आज के टाइम पे BFSI सेक्टर टेक फिनटेक में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का कॉम्बिनेशन जो है वो फ्यूचर है आज के टाइम पे। इसीलिए आज के टाइम पे, और अगर मैं इस चीज़ को प्रूव करना चाहूँ या सपोर्ट करना चाहूँ, तो आप लोग खुद इसको फील करते हैं। आज से पहले आप जब भी कुछ खरीदते थे तो कैसे खरीदते थे, आज से पहले मेरे कहने का मतलब कुछ टाइम पहले, नॉट टुडे, हम लोग करेंसी के थ्रू परचेज करते थे, लेकिन आज अगर मेरी जेब में शायद एक भी पैसा नहीं होता है तब भी मैं चीज़ें परचेज करने पाता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता था, प्लास्टिक मनी यूज़ करता था, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हम लोगों ने यूज़ करना सीखा, ATM के थ्रू पैसे निकालना सीखा, काउंटर पे खड़े होने के बजाय, लाइन में खड़े होने के बजाय। आज हमने उससे भी एक स्टेप आगे जाके मोबाइल के थ्रू हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ QR कोड स्कैन करते हैं या आपके मोबाइल नंबर के थ्रू UPI के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जस्ट बिकॉज ऑफ फिनटेक अवेलेबल है, जो मैं T+1 सेटलमेंट और रियल टाइम सेटलमेंट की बात कर रहा था, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ फिनटेक अवेलेबल है। इवन नॉट फॉर अ पेमेंट टर्म, आपके आज अगर आप लोग यूज करते हैं, आप मुझे कुछ लोग सपोज, अब से पहले अगर मुझे म्यूचुअल फंड चूज करना होता था, तो मुझे पूरा का पूरा अलग अलग म्यूचुअल फंड जो अवेलेबल है सेम सेक्टर के, उनके सबके रिसर्च करनी पड़ती थी। आज मेरे पास एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, ET Money अवेलेबल है, PayTM Money अवेलेबल है, और दूसरी वेबसाइट्स अवेलेबल है जो मुझे खुद डेटा एनालाइज करके देते हैं। वो मुझे यहाँ तक भी बताते हैं, मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदना है सर, ये 100 म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, इस 100 में से ये बेस्ट परफॉर्मिंग है। मैंने उनको कहा कि क्राइटेरिया छोटा करो, बताओ 5 साल के अंदर कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग है, उन्होंने कहा ये वाले 10 बेस्ट परफॉर्मिंग है। इन 10 में से मैंने उनसे पूछा कि मुझे पैरामीटर सेट कर रहा हूँ सिर्फ वेबसाइट पर, कि मुझे SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे बताएंगे कि सर आप 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मैं किस किस दिन इन्वेस्ट करेंगे, तो लगभग कितना एक्स्ट्रा आपके पास क्या नाम है प्रॉफिट जनरेट करने के चांसेस है, तो वो डेट भी सजेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज इससे पहले क्या होता था, म्यूचुअल फंड एजेंट आता था, वो सबके फॉर्म में 10 तारीख ही भरता था, ठीक है ना, तो सारे लोग 10 तारीख को खरीद रहे होते थे या 25 तारीख को खरीद रहे होते थे, तो म्यूचुअल फंड कंपनी को भी पता है कि 10 तारीख को 25 तारीख को म्यूचुअल फंड का रेट थोड़ा सा ऊपर कर दो, ऑटोमेटिकली आपके पास कम यूनिट आएगी और उसके पास ज्यादा प्रॉफिट आएगा, राइट। आज आपने क्या किया, क्योंकि एनालिसिस अवेलेबल है, इसलिए आपने डिसाइड किया कि मैं 10 तारीख को नहीं खरीदूंगा, मैं या तो 9 को खरीदूंगा या 11 को खरीदूंगा या मैं बीच में 15 तारीख को खरीदूंगा। ये सब क्यों अवेलेबल है, क्योंकि आज आप डेटा एनालाइज करने पा रहे हैं। ये डेटा एनालिसिस किससे पॉसिबल है, फिनटेक से पॉसिबल है, और यही चीजें हमें सीखनी है और आने आने टाइम में चीजों को डेवलप करना है। पॉसिबिलिटी लर्निंग ओनली, और लर्निंग की अपॉर्चुनिटी कब है, आज है। जब मैं खुद कंपनी में चला जाता हूँ तब मैं लर्निंग नहीं कर रहा, आप जो लोग सीख रहे हैं वो आके नई चीज़ें हम लोगों को सिखाते हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी चीज़ें डेवलप करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो सीखा वो हमारी पुरानी एजुकेशन थी। मुझे 20 साल हो गया, 22 साल हो गया अपना ग्रेजुएशन किया हुआ, शायद उस टाइम पे फिनटेक वर्ड एग्जिस्ट भी नहीं करता था, ऑल्दो आज हम मजाक में कहते हैं कि NSE इज द फर्स्ट फिनटेक कंपनी, बिकॉज इट्स ट्रू, वी स्टार्टेड आवर बिजनेस विद टेक्नोलॉजी ओनली,
उस टाइम पे जहाँ बाकी सारे स्टॉक एक्सचेंज मैनुअल ट्रेड कर रहे थे, हम लोगों ने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो वी आर द फर्स्ट फिनटेक कंपनी, लेकिन आज से 1993, 1992, 1994 में जब कंपनी स्टैब्लिश हुआ, ट्रेड स्टार्ट किया, तब फिनटेक वर्ड स्टैब्लिश नहीं करता था। फिनटेक वर्ड इज अ न्यू, जस्ट पिछले 4-5 साल से हमने फिनटेक सुनना शुरू किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारे को सपोर्ट कर रही है आज के टाइम पे। अगर मैं प्रोफाइल्स की बात करता हूँ आपके लिए, तो एन नंबर ऑफ प्रोफाइल्स बीएसएसआई सेक्टर्स में अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद आपका रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, इवन मीडिया के अंदर, एजुकेशन फील्ड में, आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज, आर यू रेडी फॉर बीएफएसआई सेक्टर? आंसर इज यस और नो। यस, बट हाउ? यू आर नॉट इक्विप्ड, यू डोंट नो व्हाट इंडस्ट्री नीड। आपको क्या पता है फिनटेक के बारे में? आपने कितने सर्टिफिकेशन किए आज के टाइम पे? शायद नहीं। तो आप सोचते हैं यू आर रेडी फॉर बीएफएसआई सेक्टर, बट क्या बीएफएसआई सेक्टर एम्प्लॉयर ये सोचते हैं कि यू आर कैपेबल टू डू द जॉब इन माय सेक्टर? बिकॉज स्टिल वी आर लर्निंग फ्रॉम आर एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम इज द ओल्ड थिंग्स। हमें डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन पता है, लेकिन अगर मैं आज किसी को बोलूं कि डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है, तो शायद नहीं करने पाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं हर चीज़ को सपोर्ट करने में बिलीव करता हूँ, तो इसलिए अगर मैं कोई क्वेश्चन थ्रो करता हूँ तो मैं उसको सपोर्ट भी करता हूँ। आप लोगों को ऑप्शंस आते हैं? ऑप्शंस डेरिवेटिव का एक प्रोडक्ट है। आप लोगों को ऑप्शंस आते हैं? आप लोग ऑप्शंस यूज करते हैं? करते हैं? नहीं करते? और अगर मैं प्रूफ कर दूं कि करते हैं तो हाथ उठाइए, कौन कौन कहता है नहीं करता? प्लीज ना, अरे कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल एक छोटा सा गेम है, मजा आएगा आपको। हाथ उठाइए, कौन कौन कहता है मैं ऑप्शंस नहीं यूज करता? 5 लोगों ने कहा, अगर मैंने ठीक काउंट किए। आपके घर पे स्कूटर है, कार है, इंश्योरेंस खरीदते हैं? इंश्योरेंस इज ऑप्शन, आप यूज करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, हमें पता नहीं है कि इंश्योरेंस भी एक ऑप्शन होता है। इंश्योरेंस में आप क्या कर रहे हैं? ऑप्शंस में आप क्या करते हैं? प्रीमियम पे करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट परचेस करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन क्या है? अगर ऐसा होगा, ये प्राइस आएगा, तो मैं इसको एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है, अदरवाइज मैं प्रीमियम लूज कर दूंगा। सिमिलरली हम जब इंश्योरेंस परचेस कर रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? हम ऑप्शन परचेस कर रहे हैं। मैंने 5,000 रुपए पे किया साल का अपनी बाइक को सिक्योर करने के लिए, कि अगर एक्सीडेंट हुआ, मेरे को कोई लॉस हुआ, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करूंगा। अगर नहीं हुआ, तो एंड ऑफ द ईयर 5,000 रुपीज गए। दिस इज ऑप्शन। सिमिलरली फॉर लाइफ ऑप्शंस आल्सो, जो आप LIC खरीदते हैं, वो भी ऑप्शन है। सिर्फ अंतर इतना है, यहाँ गाड़ी खराब होने पर ठीक हो जाती है, वहां खत्म हो जाता है, है ना? तो इट्स जस्ट ऑप्शन। हम लोग ये चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये चीजें हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम समझेंगे इन चीजों को कि आखिर इंश्योरेंस काम कैसे करता है, तब हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ चीजों पर नेगोशिएट करके हम उसके थ्रू बेस्ट प्रोडक्ट चूज करने पाएंगे। आपको पता है, आज भी इंडियन पॉपुलेशन में मैक्सिमम लोग लाइफ इंश्योरेंस में यूनिट लिंक्स प्लान खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं आप लोग यूनिट लिंक्स प्लान? यूनिट लिंक्स प्लान से आप, अगर आपको रिटर्न्स चाहिए, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको PPF में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी है। दे कैन गिव यू अ बेटर रिटर्न इन कंपैरिजन टू योर यूलिप। लेकिन इंश्योरेंस का पर्पस क्या है? इंश्योरेंस का पर्पस है मेरी लाइफ सिक्योरिटी। और जब हम इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं, तब हम कितने का इंश्योरेंस खरीदते हैं? 20 लाख का, 25 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का। क्या आपको लगता है कि एक फैमिली जिसमें दो, सपोज मैं न्यूक्लियर फैमिली की बात करता हूँ, सिर्फ दो बच्चे हैं, वाइफ है, अगर मैं आज मैं नहीं रहा, तो क्या मेरे 25 लाख के इंश्योरेंस से मेरी फैमिली कितने साल सर्वाइव करने पाएगी? शायद पूरे 1 साल भी नहीं, या मुश्किल से 2 साल। ठीक है, इज इट सफिशियंट फॉर अस? नो। लेकिन हमने कभी उस तरफ सोचा ही नहीं, क्योंकि हम कभी चाहते ही नहीं है कि चीज़ों को पढ़े, समझे और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। ये सारी चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि आप क्लासरूम में पढ़ें, खुद से समझें और खुद से इन चीज़ों को करें। तो फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज जो है, वो केवल करियर डेवलपमेंट के लिए नहीं, वी यूज टू कॉल इट इज अ लाइफ स्किल। लाइफ स्किल क्यों मैं बात करता हूँ उसकी? क्योंकि ये आपको, इवन आप फाइनेंशियल मार्केट में नहीं भी जा रहे, आप कल को HR जॉब में जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए तब भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपको फाइनेंशियल मार्केट में जॉब करने के लिए है। और दूसरी चीज़ जो हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन की, जो हम बात कर रहे थे NCFM सर्टिफिकेशन की, तो वी हैव 3 different स्ट्रक्चर फॉर NCFM सर्टिफिकेशन। NCFM सर्टिफिकेशन के लिए मैंने आपसे कहा था कि वी आर द लार्जेस्ट
सर्टिफिकेशन एजेंसी राइट मैं वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बेसिकली NCFM इज सिंपल NSC एकेडमी सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट ठीक है इट्स बेसिकली सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स आप खुद से पढ़ते हैं एग्जाम देते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन है आप क्लियर करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा विद परसेंटेज विद मार्क्स परसेंटेज राइट इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने पहले से 1998 से ही सिस्टम है NCFM का लेकिन हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया और इतनी सिंपलाइज वे में हम लोगों ने उसकी बुक्स तैयार करी हैं पहले हम लोग फिजिकल बुक दिया करते थे आज की सब चीज़ें ई मेथड में अवेलेबल है हम लोग इसलिए PDF फॉर्म देते हैं उसका सो देट कि आप उसको अपने मोबाइल पे अपने लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे भी पढ़ लेते हैं और खुद से उसको एग्जाम दें ठीक है इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने क्रिएट करी हैं और एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि आपको हेल्प करेगी फाइनेंशियल मार्केट को बहुत अच्छे से समझने में आप लोग दो चीज़ों में बिलीव करते होंगे मुझे लगता है एक होता है कि मैं पढ़ूं कि साइकिल कैसे चलती है स्कूटर कैसे चलता है कार कैसे चलती है किताब में पढ़ के क्लासरूम में बैठ के समझ जाऊँ ठीक है और दूसरी चीज़ है कि मैं साइकिल लूँ सड़क पे जाऊँ मैदान में जाऊँ उसको चलाना सीखूँ कार को लूँ सड़क पे जाऊँ मैदान में जाऊँ चलाना सीखूँ कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है आपके हिसाब से सेकेंड मेथड क्योंकि वहाँ रियल लर्निंग ठीक है सिमिलरली ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ भी रियल लर्निंग है लेकिन जब हम रियल लर्निंग की बात करते हैं तब उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व होता है अगर मैं केवल साइकिल लेकर मैदान में जाता हूँ तो चांसेस हैं कि मैं गिरूंगा और चोट लगेगी मेरे को वो कहीं भी हो सकती है मैंने घुटने की तरफ इशारा किया क्योंकि साइकिल से सबसे ज़्यादा चोट यहीं लगती है दूसरा हमारा सिर होता है जो सबसे ज़्यादा फूटने के चांसेस होते हैं सिमिलरली यहाँ जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो लॉस के चांसेस हमारे फाइनेंशियल होते हैं तो अगर मैं रियल मार्केट में जाकर चलाना सीखूंगा स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सीखूंगा या ट्रेडिंग करना सीखूंगा तो रियल लॉसेस ले रहूंगा लेकिन यहाँ हम लोगों ने आपके लिए एन स्मार्ट फिन लैब एस्टैब्लिश करने का फैसला लिया तो इस लैब के थ्रू आप लोग रियल टाइम बेसिस पे जो स्टॉक्स वहाँ पर अवेलेबल है स्टॉक मार्केट में जो मैकेनिज्म वहाँ पर अवेलेबल है उसको केवल वर्चुअल मनी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वर्चुअल मनी से इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं वर्चुअल मनी के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली आप रियल लॉसेस नहीं लेंगे बिकॉज यू आर अ लर्नर हाई चांसेस है कि आप गलत चीज चूज करेंगे आपको लॉस हो सकता है आप गिर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप पहली बार में एक्सपर्ट होकर साइकिल को दौड़ाना शुरू कर दें इसीलिए हम लोगों ने मैकेनिज्म क्रिएट किया जहां हम आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस पर दे रहे हैं जस्ट 15 मिनट डिले दे रहे हैं ठीक है और पूरा स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेम क्योंकि हमने जो ये रेप्लिका क्रिएट किया है जो सॉफ्टवेयर NSC एज एन अपने ब्रोकर को देता है अपने मेंबर्स को देता है वही सॉफ्टवेयर हम लोगों ने यहाँ आपके लिए लेकर आए उसका रेप्लिका बनाया सिमुलेटेड मार्केट में लेकर आए उसको और वर्चुअल मनी दिया तो एवरी स्टूडेंट विल गेट अ 1.5 करोड़ रुपीज ऑफ वर्चुअल मनी फॉर इन्वेस्टमेंट यू कैन लर्न कैपिटल मार्केट यू कैन लर्न डेरिवेटिव्स मार्केट ऑल्सो इवन यू कैन लर्न करेंसी मार्केट एंड डेट सेगमेंट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस दिस सॉफ्टवेयर हैव अ फीचर्स ऑफ सम टेक्निकल एनालिसिस 25 टेक्निकल एनालिसिस टूल्स अवेलेबल है सॉफ्टवेयर के ऊपर जिनके थ्रू आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं ठीक है जब आप क्लासरूम में टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे तब आप यहाँ पर आकर उसको अप्लाई करने पाएंगे आपने एक वर्ड सुना होगा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग वर्ड सुना है आपने ठीक है ये सॉफ्टवेयर को हमने इतना हाई उस तक लेके गए कि हमने इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग भी इनकॉर्पोरेट किया है विच इज़ अ न्यू थिंग अपकमिंग थिंग फॉर स्टॉक मार्केट ठीक है यहाँ आप खुद से आपने जब पढ़ा समझा चीज़ों को अगर आपको लगता है कि आप आज ऑटोमेटिक ट्रेडिंग का टेस्ट करके देखना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं अपने पैरामीटर सेट करिए और खुद से उसको करिए ऑप्शन कैलकुलेटर अवेलेबल है इसके अंदर वो खुद बताएगा आपकी वैल्यू क्या आना चाहिए ठीक है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बच्चों को लर्निंग पर्पज से दिया आई एम कमिंग फॉर बेसिकली कोलाबरेटिव प्रोग्राम तो इसके जस्ट ये तो एक सिंपल मैंने कहाँ कहाँ है हमारा वो किया है कुछ आसपास की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में बात करिए ऑलमोस्ट 20+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके साथ NSC का टाइप है जहाँ हम UGPG कोलाबरेटिव प्रोग्राम चला रहे हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स कैपिटल मार्केट के ऊपर फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर बिजनेस एनालिटिक्स के ऊपर फिनटेक के ऊपर हम लोग इस तरीके के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं लेकिन आइडिया क्या है क्यों हम ये कर रहे हैं सो बेसिकली एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट का एम्फेसाइज है कि जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें लगभग 20-25% तक इंडस्ट्री रिलेटेड करिकुलम हम ऐड कर सकते हैं ठीक है ये चीज़ हमने ऑलरेडी किया हुआ है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अगर मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो लगभग पिछले 10 साल से IP यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो पिछले 11 साल से हम IP यूनिवर्सिटी के साथ इस तरीके के प्रोग्राम रन कर रहे हैं
यूनिवर्सिटीज ने और हमने ये चीज़ बहुत टाइम पहले फोर्सी किया, गवर्नमेंट उसको आज अप्लाई कर रही है, लेकिन शायद मैं कहना चाहूँगा कि जब भी हम कर सकते हैं उस चीज़ को वो अच्छा है, अगर हम आज भी स्टार्ट करते हैं तो भी अच्छा है हमारे लिए। तो हम इस स्ट्रक्चर को आज यूनिवर्सिटीज़ में लेकर जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को बोलते हैं कि जो इंडस्ट्री अलायंस कोर्सेज हैं, इंडस्ट्री अलायंस सर्टिफिकेशन हैं, वो आप अपने कैरिकुलम में ऐड करिए, ठीक है, और अपने बच्चों को वो सर्टिफिकेशन वो उस कैरिकुलम पढ़ाइए, सो देट कि कल को आपका बच्चा, जो चीज़ मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आर यू रेडी फॉर BFSI सेक्टर, तो यू कैन स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली कैन से यस, और मुझ जैसा कोई दोबारा आपसे क्वेश्चन नहीं करने पाए कि आपने यस कहा और मैंने उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया कि आप तो यस कह रहे हैं लेकिन क्या मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। तो जब नेक्स्ट टाइम आप यस कहें तब मैं भी आपके साथ एग्री कर रहा हूँ कि हाँ यस यू आर रेडी फॉर माई इंडस्ट्री, फॉर माई सेक्टर, ठीक है, वेदर इट्स अ स्टॉक मार्केट, वेदर इट्स अ म्यूचुअल फंड, वेदर इट्स अ बैंकिंग सेक्टर और अ इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है, उतने स्ट्रांगली मैं भी आपकी चीज़ को सपोर्ट करने को, मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ उस टाइम पे। तो ये हम लोगों का आइडिया है। हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स आपकी यूनिवर्सिटी को CDLU को सजेस्ट किए हैं, जस्ट टू ब्रीफ अबाउट ऑल दीज प्रोग्राम, उससे पहले कि मैं उनके पेपर्स और क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करें, तो बेसिकली ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं, ये इंडस्ट्री असाइनमेंट्स हम लोग को इसमें ऐड करेंगे, ई लर्निंग टूल्स जैसे मैंने बात किया था, हम लोगों ने एनस्मार्ट का बात किया, एनस्मार्ट इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड रहेगा, ठीक है, उसके साथ साथ हमारा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है NSC नॉलेज हब करके, जिसके ऊपर बहुत सारे ई कंटेंट पड़ा हुआ है, वो भी हम आपको एक्सेस देंगे सो देट कि आप लोग उस पर से भी पढ़ने पाए, ठीक है, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन रहेंगे इसके अंदर, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लेकर आना चाहते हैं इन प्रोग्राम्स के थ्रू। तो वी आर प्रपोजिंग सर्टिफिकेशन फॉर वो सॉरी UG प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल मार्केट, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन वी स्टार्ट विद वेरी बेसिक, जी सर मैं वही कर रहा था, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बेसिक्स के साथ। तो फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल मार्केट, जो कि एक तरीके से आपके लिए ब्रिज कोर्स है, क्योंकि हो सकता है BCOM में जो बच्चे आए हुए हैं वो जरूरी नहीं है कि उसने पहले कॉमर्स पढ़ा हुआ हो, वो साइंस से भी हो सकता है या किसी दूसरी स्ट्रीम से भी हो सकता है, तो हम पहले उसको थोड़ा सा उस दूसरे बच्चों के लेवल पर लाके उसको सबको मैच कराना चाहते हैं। देन वी विल स्टार्ट विद उसके बाद कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये चीज़ें बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हुए वी कम विद कैपिटल मार्केट, उसके बाद डेरिवेटिव्स, उसके बाद करेंसी डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, डिपॉजिटरी की बात कर रहे हैं, लास्ट में जो कि इक्विटी डेरिवेटिव्स है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने BCOM के स्टूडेंट्स के लिए इनकॉर्पोरेट किया है। अपार्ट फ्रॉम इसके वी आर रेडी टू डिस्कस विद यूनिवर्सिटीज, अगर सपोज यूनिवर्सिटी को लगता है कि ये कैरिकुलम के साथ साथ हमें कुछ और भी इसमें ऐड करना चाहिए या इसमें से कुछ पेपर्स हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो वी हैव मोर देन 50+ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एज ऑफ नाउ, जो कि हम कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बिकॉज इट ऑल आर अ कस्टमाइज कंटेंट एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अगर कल को आपको लगता है इसमें फिनटेक ऐड करना है तो वी कैन ऐड वन पेपर ऑफ फिनटेक ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर रिसर्च का होना चाहिए, इक्विटी रिसर्च होना चाहिए, तो वी कैन इनकॉर्पोरेट इक्विटी रिसर्च ऑल्सो, वी कैन इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल एनालिसिस, वी कैन इनकॉर्पोरेट टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो। मैंने BCOM में क्यों नहीं रखा BBA BCOM में UG में, क्योंकि मैं उन चीज़ों को जब आप MCOM में जाते हैं तब पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न ऑल दीज थिंग इन अर्ली स्टेज ऑल्सो वी आर फाइन विद दैट। तो इस तरीके से करके हम लोगों ने अलग अलग कैरिकुलम डिज़ाइन किया है BCOM के लिए, MCOM के लिए। वहीं अगर हम लोग बात कर रहे थे जिस तरीके से पंजाबी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, या आपने उस साइड देखा होगी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम थे, तो एक हम लोग का प्रोग्राम चलता है 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो जो भी वर्ड्स मैंने आपके साथ अभी तक यूज़ किए वो सारे हैं, चाहे टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, सर्वेलेंस है, म्यूचुअल फंड है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, ठीक है, आपका प्राइवेट इक्विटी मॉड्यूल है, सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी कवर हो रही है ओवरऑल। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपको एक तरीके से पूरा BFSI सेक्टर का मास्टर बनाता है विद इन 5 years, राइट। आई एम नॉट एम्फसाइजिंग फॉर दिस, वॉट एवर यू फील कम्फर्टेबल, जो आपको लगता है कि आपको जरूरत है, जो यूनिवर्सिटी को लगता है कि उसको जरूरत है बच्चों को सिखाने की, वो चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो आप यूज करते हैं वो ब्लॉकचेन पे ही काम करते हैं, जो आप पेटीएम मनी और इनकी बात कर रहे हैं, या स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारी चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है।
एक और जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वो है MBA FinTech, MBA Business Analytics भी हो सकता है, BBA FinTech भी हो सकता है, BBA Business Analytics भी हो सकता है, या BCom भी हो सकता है, कुछ पेपर्स हम उसके साथ टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको जस्ट UG प्रोग्राम का, सॉरी PG प्रोग्राम के लिए सजेस्ट किया है। यहाँ अगेन क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले ब्रिज कोर्स का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट उससे बच्चा आता है, तो सबसे पहले उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना जरूरी होता है। तो इसलिए वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, उसके बाद जो और पेपर्स हैं वो आर एंड पाइथन, AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, एनालिटिक्स फॉर फाइनेंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ब्लॉकचेन, मैम जिसकी बात कर रही थी अभी, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आज से पहले हम अपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग को तो समझते हैं, आपका फ्लिपकार्ट का जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को तो एक्सप्लेन करता है, ठीक है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अभी नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक न्यू थिंग है आज के टाइम पे, जो आप सब देखते हैं। आप लोगों ने कभी फील किया डिजिटल मार्केटिंग का पावर, यू फील किया, कैसे फील किया, टेल मी, बताइए। आप आज अभी यहां पे, ठीक है, एक चीज गूगल पर सर्च करिए, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप चूज करना चाहते हैं, 5 मिनट बाद जाके अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस पे भी आपके अकाउंट है आप देखना, ठीक है, वहां पे आपको उसका ऐड आता हुआ मिलना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर जाके आज जो है वो केक चूज करिए, आप केक सर्च करिए, थोड़ी देर में आपको वहां पर मालूम पड़ेगा कि वहां पर जो है वो एक केक कंपनी का ऐड आना शुरू हो गया। या आपने यहाँ पर जाके मालूम पड़ा कोई जीन्स परचेज करने की कोशिश किया, या कोई ड्रेस परचेज करने का कोशिश किया, थोड़ी देर में आप देखेंगे उससे रिलेटेड सजेशन आपको आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपके डिजिटल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन पे आने शुरू हो गए। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की पावर है आज के टाइम पर। एल्गो ट्रेडिंग, तो हम लोगों ने यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग भी ऐड किए हैं, राइट। ये डिस्कशन था हम लोगों का जहाँ तक अभी हम बात कर रहे थे कि हम क्या क्या चीज़ें यूनिवर्सिटीज के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वेरी रिसेंटली हम लोगों ने एक चीज लॉन्च किया है, ट्रेडरथॉन। ट्रेडरथॉन हम लोगों का एक स्टॉक मार्केट मॉक ट्रेडिंग सिमुलेटेड कॉम्पिटिशन है, और ये केवल कॉम्पिटिशन नहीं है, ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी है आपके पास। यहाँ हम आपको पहले सिखा रहे हैं, उसके बाद आपसे कह रहे हैं आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप कॉम्पिटिट करिए। और ये जो कॉम्पिटिशन है ट्रेडरथॉन, ये पैन इंडिया कॉम्पिटिशन है ऑन स्टॉक मार्केट, जहां आपको कहेंगे कि आप लोग ट्रेड करिए, प्रॉफिट जनरेट करिए, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा वो उसको हम प्राइज भी देंगे। तो मैं उसी चीज़ पे आता हूँ, ठीक है, ये शेड्यूल है, मैं आपके साथ इसको शेयर कर लूँगा बाद में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर आपका जो हम लोगों ने बात करा था उस प्लेटफॉर्म का, एन स्मार्ट प्लेटफॉर्म का, वो प्लेटफॉर्म भी आपको मिलेगा, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपोजर मिलेगा, रियल टाइम प्राइस फीड और एवरीथिंग इज अवेलेबल थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब बात आता है कि हम लोग इसमें आपको सिखाएंगे क्या, तो पूरे एक वीक का ट्रेनिंग है, 5 डेज का ट्रेनिंग है, 15 आवर्स का, जिसमें हम आपको कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस से आप शॉर्ट टर्म व्यू लेने पड़ते हैं, राइट, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाएंगे हम आपको, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ आपको विद इन अ वीक मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है, तो आपको शॉर्ट टर्म व्यू का भी आइडिया होना चाहिए। तो वी आर जस्ट गिविंग यू अ टेस्टर ऑफ ऑल द थिंग्स, सो दैट यू कैन डिसाइड इन अ लेटर स्टेज कि आपको किस चीज को और ज्यादा समझने और पढ़ने की जरूरत है। लेकिन आई प्रोमिस यू विद इन 15 डेज एटलीस्ट आपको इन सबके बारे में मोर देन बेसिक्स पता होंगे, क्योंकि और आपको पता होगा कि ये प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं, कैपिटल मार्केट क्या है, डेरिवेटिव क्या है, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। सपोज अगर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि अगर ये सारी चीज़ें आपको सीखनी हो और मार्केट में आपसे कहा जाए कि ये चीज़ें सीखिए, तो आपके हिसाब से प्राइस क्या होना चाहिए इनका, जस्ट गिव मी एग्जाम्पल, वॉट एवर यू फील कम्फर्टेबल, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव मी अ 10,000 रुपीज प्राइस और वॉट एवर यू फील, अकॉर्डिंग टू आपके आपको किस प्राइस में ये चीज़ें मिल सकती हैं। अभी सर की बात लेके चलते हैं कि सबसे लोअर प्राइस जो है वो 10,000 है, हम मान के चलते हैं कि ये 10,000 रुपीज में अवेलेबल है,
तो इस 10,000 rupees में क्या क्या अवेलेबल है, वो कोर्स कंटेंट अवेलेबल है, आप जब वो कोर्स करेंगे तो आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इशू होगा एनएससी की ओर से, राइट। ये सर्टिफिकेशन अवेलेबल है 3 महीने के लिए, ये जो कोर्स कंटेंट है क्योंकि ये ऑनलाइन है, इसलिए जो भी वो 15 घंटे की ट्रेनिंग हुई, वो जो हमारा ई प्लेटफॉर्म है एनएससी नॉलेज हब, उस पर उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो इनकेस कभी भी आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। सपोज आप भूल गए, आपको दोबारा से पढ़ना है, कोई क्लास मिस हो गई थी, आप उसको जाके दोबारा से देख सकते हैं, वीडियोस को आप लर्न कर सकते हैं वो चीज़ें। प्लस उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। उन सर्टिफिकेशन में आपको सर्टिफिकेट की जगह लिंक्डइन बैजेस इशू होते हैं। आप लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल है, ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल में आप लोगों ने देखा होगा स्किल बैजेस मिलते हैं, तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये स्किल बैजेस के, उसमें आपने कैपिटल मार्केट का प्रोग्राम किया तो यू विल गेट अ कैपिटल मार्केट स्किल बैच, तो आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में शुरू उसको शो कर सकते हैं। जब आपका रिक्रूटर आएगा, जब आपका एम्प्लॉयर आएगा इंटरव्यू के लिए, तो वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी चेक करते हैं आज के टाइम पर बहुत बार, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट आपने उसमें शो किए हुए हैं प्लस आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट भी है और वो भी है। उसके बाद जो मैं बात कर रहा था एनस्मार्ट की, तो आपके पास 3 महीने के लिए इसी 10,000 rupees की कॉस्ट में एनस्मार्ट का भी एक्सेस है, यानी 3 महीने तक आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ भी सीख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इस पूरे पैकेज में इंक्लूडेड हैं, राइट। प्लस अपॉर्चुनिटी, जब आप कॉम्पीट करने जाएंगे तब आप अगर विन करते, इफ यू आर द विनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन यू विल गेट 1 lakh rupees, इफ यू आर रनर अप फॉर दिस कॉम्पिटिशन यू कैन गेट 25,000 rupees, अगर आप थर्ड पोजिशन पर रहते हैं तो 5 लोगों को वी विल गिव 5,000 rupees। उसके बाद जो 25 लोग होंगे उनके लिए भी है, जो नीचे इसमें छुप गया है, ठीक है, उनके लिए भी हम लोगों ने, क्योंकि इट्स अ एजुकेशन प्रोग्राम, रादर देन गिविंग अ 1,000 rupees एज अ मनी, वी आर गिविंग यू अ बुक्स ऑफ 1,000 rupees, और ये बुक्स कस्टमाइज बुक हैं फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। जो राइटर है बुक का, वो स्पेसिफिकली आपका नाम लिख के अपने साइन करके कस्टमाइज कॉपी आपके पास आएगा, ठीक है, क्योंकि बुक्स तो कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज कॉपी जो उसकी न्यूली लॉन्च बुक है वो हमने इसके अंदर किया है। तो 25 बच्चे यहाँ पर भी हो सकते हैं, तो आपके पास लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है, सर्टिफिकेशन लेने की अपॉर्चुनिटी, एज वेल एज कॉम्पिटिशन विन करने की अपॉर्चुनिटी भी है, एंड एट द प्राइस ऑफ 9,99 crore ₹1,000 में यू कैन गेट ऑल दीज थिंग। हर साल हम लोग ये कॉम्पिटिशन लॉन्च करते हैं और इंटेंशनली वी कीप अ प्राइस वेरी लो, राइट, सो दैट कि हर बच्चा, हर सेगमेंट का बच्चा, इवन फॉर वीकर सेगमेंट स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट। वी डोंट वांट टू कीप 20,000 rupees, 10,000 rupees और 15,000 rupees, वी आर नॉट कैपिटलाइजिंग दिस मनी। इससे ज़्यादा हम लोग इस प्लेटफॉर्म, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए खर्चा करते हैं जो हमारे को इससे अर्निंग होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हर बच्चा ये चीज़ सीखे, सो दैट कि वो उसको आगे फर्दर अपने करियर में डेवलप करना चाहे। और ये सर्टिफिकेशंस भी आप यूज़ कर लेंगे, एनएससी की सर्टिफिकेट की वैल्यू है। अगर आप किसी से भी, जो आपके फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोई भी आपके फ्रेंड हैं, रिलेटिव्स हैं, आप उनसे पूछिए जिनके पास एनएससी सर्टिफिकेट है, दे विल टेल यू अबाउट एनएससी सर्टिफिकेशन वैल्यू। सो यहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है इन सारी चीज़ों के साथ पार्टिसिपेट करने की, एंड यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एनी पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू एनएससी वेबसाइट ऑल्सो। और मैं सर को शेयर कर दूंगा एक व्हाट्सएप, तो वो आपके साथ सर्कुलेट भी कर देंगे, ठीक है। ये लास्ट ईयर के विनर हैं, जिन बच्चों ने ये कंपटीशन विन किया था लास्ट ईयर, ये 3 बच्चे थे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर माय टाइम। आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चन। SGB is a different, gold ETF is different. SGB के अंदर क्या है? SGB आपने आज खरीदा sovereign gold bond, उसके बाद उसकी maturity है जहाँ पे आप उसको sell करेंगे, ठीक है? वहीं ETF जो है वो real time trade हो रहा है। SGB में आपको price जो है वो certain time बाद आएगा, जब maturity आएगी तब आपको mature कर सकते हैं आप उसको, जिस भी price पे government ने आपको promise किया है। वहीं stock market में जो ETF trade हो रहे हैं, suppose कल को stock बड़ा gold के price का fluctuation आ गया, ऊपर हो गया gold का price, अभी 50,000 चल रहा है, 55,000 हो गया, आपको लगता है मैं बेच देता हूँ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के टाइम पे, आज से 3 साल बाद 5 साल बाद गॉड नोज़ क्या प्राइस होगा, वापस कहीं 51,000 52,000 आ गया, तो मुझे सिर्फ वही वैल्यू मिलेगी जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, या आपको 5,000 रुपये 15 दिन बाद मिल रहे थे, आप बेच दो। आप फ्लक्चुएशन का बेनिफिट लेने पाते हैं स्टॉक मार्केट में हमेशा, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, प्लीज।
Sir, can we settle trades in derivatives before expiry? Yes. Yes, why not? You can settle your option future position anytime. Right? But in future position, not in options. Option is a time bound one. Or any time means within the period of expiry. Suppose aapki expiry agle ek mahine mein hai, toh within 1 month. 1 month ke baad nahin. Hai na? Yes, sir. Disclaimer bhi hai usmein. Mujhe laga ki explain kar dun to zyada theek hai cheez. Agar 3 mahine ke expiry ka aapne derivative contract liya hai, toh within 3 months, any time you can settle your positions. And we get Thursday is fixed, I think. So basically, automatically अगर contract expire होगा, तो वो क्या नाम है Thursday expire होता है और T plus one पे settlement है, तो last Friday को आपके पास fund आ जाता है, right? जो settlement है. अभी लेकिन क्या नाम है कुछ options, weekly options भी available हैं, like bank Nifty में है, financial derivatives में है, तो weekly options भी available हैं, तो weekly settlement भी है, monthly settlement के साथ साथ. लेकिन वो depend करता है आपने क्या लिया है. अगर आपने वीकली कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वीकली है, अगर मंथली कॉन्ट्रैक्ट है तो मंथली सेटलमेंट है. मोर देन 1 ईयर तो मैक्सिमम डेरिवेटिव्स के अंदर 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर करेंसी के अंदर 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है. ईयर लॉन्ग पोजिशन ले सकते हैं, लेकिन ईयर से ज्यादा पोजिशन नहीं है. और सी बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम दे नहीं सकते, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है. सी जैसे जैसे लंबा होते रहता है वैसे वैसे लिक्विडिटी खत्म होती जाती है, तो आपको उसमें प्राइस नहीं मिलेगा अच्छा. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Abhishek ji. मुझे लगता है हम लोग टाइम पे हैं और अभिषेक जी ने फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में और जो हम एकेडमिक कोलैबोरेशन कर सकते हैं सबके बारे में बताया. आप ये चीज़ें अपने टीचर से बाद में डिस्कस कर सकते हैं और मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर को इन्वाइट करना चाहता हूँ, वो आके दो शब्द प्रोग्राम के बारे में, इस कोलैबोरेशन के बारे में कुछ हमें और गाइड करें. सर प्लीज. Professor S. K. Galaut, Dean Academic Affairs. Professor Dr. Rajesh Kumar Chalji, Registrar. Professor Kapil Chalji, Director U. Corpus, coordinating this program along with Smita Chaudhary. You transformed yourself a lot. Really good. It's my performance, not yours. Although we are sharing it. Very good. My colleague, teammates, Professor Kundu, Professor Hooda, Professor Sushil Kumarji, Professor Aarti, Madam Kamresh is also sitting here, and others, young teachers of this university along with my students, and Sri Abhishek ji, Kunal ji. Thankful to you all that you have been able to organize this kind of the program. Maybe Hindi mein bolo. In actual, this university requires some modifications, some changes, some transformation. We started this journey. First of all, sometimes you feel that there is university college and NEP 2020 was there, that's why we introduced 4-year degree programs, and we could not transform this university college to the 4-year degree courses and like that.
we try to build up the things from the beginning. That's why there was a planning, there was a vision. Professor Gelawat and Professor Chaudhary, as part of that kind of the thinking, that we should start a new institution along with Professor Pankaj Sharma also, who was IQC director at the time. And we started some of the courses with the support of Professor Sushil Kumar. Some science related courses like physics, BSc physics, and some engineering also, and no doubt the commerce faculty of this university is quite good. And that's why the BCom courses, and like you suggested, that have been taken, insurance specialized courses were also introduced. But unfortunately, we could not popularize it. We could not attract the students, and we merged all those specialized commerce stream into the general stream of the BCom in our 4-year degree courses. We have 4-year degree courses with the option to exit after 1 year, 2 year, 3 year, and 4 year. That depends upon, that's as per the policy of the government of India. No doubt we are bound by it, and we like to be part of that. In that program, since the focus is on skilling, sometimes what's happening, we are producing the commerce graduate or the science graduate, or we said the economics and finance is one of the degree, and they are also graduate. Then we think of that we need to have a placement cell, then we'll invite someone who will come to this place, particularly after a journey of four, five hours. Then there is risk involving, don't know. That depends on perception, that what kind of students will be available there. The employer or the recruiter, they have to think so many times. Even you people come to this place only after confirming that is there a program. Definitely everyone will do like that. Hence, it becomes essential that the students of this university must excel so that they can get a position in employment sector. Maybe self-employment, maybe the public or the private employment. That's a different kind of a story. If you are capable, you can do it. If you are not capable, you can't do it. Teacher is always capable and competent. When I say capable and competent means he has a tendency and inclination to learn and to teach. That's why that's not a challenge for us. I'm not calling it a problem. That's not a challenge. Because teacher know how to adjust its wisdom, its delivery, its attitude, keeping in view the student's need. And fortunately, we have that kind of the faculty in our university. Hence, after introducing that we have the USGS 4-year degree programs, we also try to create a physical infrastructure in terms of lab, physical as for example computer labs, and in our block 4, which is a newly constructed one, we have the 4th floor having a very large room, and the university has purchased number of machines of the computers for that purpose, so that we can provide that kind of the facility to the students. No doubt some of you complain that we don't have the desks, we don't have the benches, we don't have the lab. No doubt. We were doing it, and we were also attending your problems or attending your complaint also, and hope that we have been able to deliver all those things by now. If it is not by January, we will be able to. The third thing is that how to
provide skill kind of the training. We signed some MOU. As for example, there's a economics related, I don't remember the name of that agencies, but we have done it. Even in science also, for some we say that programs, we trained our teachers so that they can kind of the skills can be imparted to the students. There was an idea also at the time when we were conceiving this kind of the idea, it how to transform the university, how to bring it the mainstream university, how to bring the learning of this university up to the national and international standard. That's an important one. We cannot say that we are strengthening this department, that course or something like that. Only thing is, we are trying to be a part of the national level institutions which are delivering to their students, which is empowering you, the students. Empowering with knowledge, empowering with intellect, empowering with the skills, and building a confidence among the students. That's why I think me and Professor Kapil Chaudhary thinking of this kind of line since last 6 months, how to bring some sort of agency which is trusted one, which can impart that kind of the skill to our students. No doubt we encircled this NSC last 6 months also, and they are good salesmen also. They proved it today. The question is that we are not, when say that since as before this meeting we were discussing this aspect, the focus is on undergraduate programs, that the USGS is in focus. The reason is that the national policy is focusing on that, that after 4 years of your graduations, maybe after 3 years, if you want to get employment or be engaged in certain we say that profession, you do it, and if you want to continue, then you continue it in 4th year, and if you want to do the research in the PhD, etc., then you move to another, that is for another 1 year for the PhD and research, etc. That's a different kind of story. That's why the system of this 4-year degree program was not only that we have to introduce NEP 2020, rather it was request on the part of the university that we become a partner in the national education system, and that is also updated one. So today's programs particularly, we wanted to popularize it, we wanted to have a publicity, we wanted to introduce our students and the teacher how this university is going to integrate its curriculum, its we said it, education delivery or the course contents delivery along with the skills, and not only, many times in NEC also, and many times on different kind of the platforms we discuss about it, that there is one industry person in this Board of Studies, PG and UG. Industry person means what? Some of my teachers particularly, if I say, I'm not giving an example of this university, but I was professor as well as the chairperson also. Industry means some chemical industry or something like that, but no. Industry means an employment sector. And employment sector is what? Insurance, banking, then stock exchange. These are the employment sectors. These are the industry person, and industry person is there so that we can devise our curriculum, our syllabus, our course contents in such a manner that the students, after getting that education, that learning outcomes must be in such a manner that they may start their own profession, own occupation, or may get some kind of the meaningful employment.
That's why with these things in mind, we have been able to do it. Now, since we introduced it to you, we will have a meeting. We will ask them to customize our needs as per the expectations of our students. What they expect. Because after these programs, we will conduct a meeting of all students, particularly in economics and finance, in commerce, in business administration, BCom, and MBA, etc., if they are interested. But I admit it and frankly, because I'm known for this, I'm not interested much in for them. I'm interested only for the UG students. The reason is very simple. Because orientation or the change of attitudes, that will take place from there. Reason is, they are likely to stay for 3 years or the 4 years in the university. And it will be easy for us for providing maximum number of courses which are linked to industry to them. We will try to integrate, accommodate all those course contents along with our general courses. Not only that one, the new curriculum for the 4 year degree programs at the UG level that have the major and minor kind of the course contents of the courses for them, we will be able to do that after customization. So, in a very systematic manner, I would like to ask the students, because it is, I think, now fourth semester, who have taken admission in the first year here when we introduced it, and there will be the students in next academic session also, we will offer to them also. For the old students, if they are interested, we would like to customize the course contents of the courses based on this, because you can go for insurance, you can go for fintech, you can go for fintech and derivatives, you can go for financial sector. I couldn't recollect that. What is that? There are four, I think, major areas in that. I'm not a student of commerce. But the question is that it is known to each and everyone that the commercial activity, particularly of in different nature, financial services, rather we say, this is the most appropriate word for that, that is likely to grow in India, and the rate of growth of that, those services will be more fast in comparison to any other sector of employment. That's why if we start from here, if we set an example, that will change the mood of the students, mood of the university, and perceptions about the university. So, with these things in my mind, and with the support of our team, Dr. Rajesh Kumar Bansal, Registrar and Dean Academic Affairs, and Professor Kapil Chaudhary and Professor Sushil Kumar, will be able to bring a change and will be able to provide a better opportunity, better employment opportunity to our students. With these things, lastly, I would like to appreciate you, COP, team, sir, Madam Saros Mehta, who was, dealing with machines, now dealing with the human beings also. And hope you are enjoying this kind of assignment, because ideas and dreams and the challenges are more entertaining and more soothing to the mind of a person rather than the non-living machines. So really, you are doing so good. I'm proud of all of you. We go to that stage from where we can start. And let's start it from the next academic session. We have to do more
so many activities for that purpose. Please do that. That will bring a name and a satisfaction to you also. So thank you very much. Thank you, sir, for your kind words. Actually, our Honorable Vice Chancellor is very kind enough for praising who is working, and you are giving us motivation for next academic year as well as this academic year. And इस presentation के बाद आप सब लोग जो students हैं, ये module हैं जितने भी, इसका जो लोग नहीं आ पाए, इसका YouTube university के channel पे इसका record भी हो रहा है. आप उनको देखेंगे और जो जो पेपर आपको लगते हैं आप अपने चेयरपर्सन या टीचर से बात करके कंसल्टेशन के साथ उनके साथ डिस्कस करेंगे ताकि हम नेक्स्ट मीटिंग में आपके लिए स्किल कोर्सेज या जो भी हमने ऐड करना है प्रोग्राम में आगे की कार्रवाई कर सकें. नाउ आई इनवाइट अस्मिता टू गिव ए फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स. On behalf of the university, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guests. Thank you, sir, for giving your precious time and efforts. And my sincere thanks to our Honorable Vice Chancellor, sir, Dean Academic Affairs, and all the chairpersons and faculty members present here, and all the participants to make the session productive and fruitful. Thank you so much, everyone.